पल्स ऑक्सीमीटर एक नॉन इन्वेसिव मेडिकल डिवाइस है जो दो पैरामीटर के रीडिंग्स को बतलाता है। पहला है पल्स ऑक्सीजन सेचुरेशन, जिसका सिंबल है SpO2, और दूसरा है पल्स रेट, जिसका सिंबल है PR। पल्स ऑक्सीजन सेचुरेशन का अर्थ हुआ खून में ऑक्सीजन की मात्रा। इसका नॉर्मल वैल्यू 95% से 100% के बीच होता है। यदि इनका वैल्यू 90% से कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हाइपोक्सेमिया कहते हैं, जिसमें पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है और साथ ही साथ सीने में दर्द का अनुभव भी होता है, जो COVID-19 का एक लक्षण भी है। इनके इलाज के लिए ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत होती है, लेकिन COVID-19 के कुछ पेशेंट्स में, नॉट ऑल, ऐसा भी देखा गया है कि SpO2 80% से कम होने के बावजूद भी कोई लक्षण नहीं है, अर्थात हाइपोक्सेमिया होते हुए भी सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए इस कंडीशन को साइलेंट हाइपोक्सेमिया या हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं। यह स्वतः ठीक भी हो सकता है या अचानक कार्डियक फेल्योर का कारण भी बन सकता है, जिसमें पेशेंट की अचानक मृत्यु हो जाती है। हाइपोक्सेमिया का कारण COVID-19 के अलावे एनीमिया, लंग्स प्रॉब्लम जैसे अस्थमा, COPD या हार्ट डिफेक्ट्स भी हो सकता है। दूसरा पैरामीटर है पल्स रेट, जो हार्ट रेट के बराबर होता है, अर्थात 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़क रहा है। इसका नॉर्मल रेंज 60 से 100 बीट्स पर मिनट होता है। यदि पल्स रेट 100 से ऊपर है तो इस कंडीशन को टैकीकार्डिया कहते हैं, जो मुख्यतः हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरथायरॉयडिज्म यानी हाई थायरोक्सिन हार्मोन लेवल या एनीमिया यानी खून की कमी के कारण होता है। और यदि 60 से कम है तो उसे ब्रैडीकार्डिया कहते हैं, जो मुख्यतः हाइपोथायरॉयडिज्म या हार्ट टिश्यू डैमेज या रूमेटिक फीवर के कारण होता है। अब पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना होता है? पहला, यह 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता है। दूसरा, नाखून में नेल पॉलिश लगा रहने पर इनकी एक्यूरेसी घट जाती है। तीसरा, एक्यूरेट रीडिंग पाने के लिए राइट हैंड के मिडिल फिंगर का उपयोग करना चाहिए। चौथा, MRI तथा CT स्कैन से आने वाले पेशेंट में इनका उपयोग तुरंत नहीं करना चाहिए। पांचवा, वैसे पेशेंट जो डोपामिन या एनेस्थेटिक्स जैसे लिडोकाइन लिया हो में पल्स ऑक्सीमीटर सही रीडिंग नहीं देता है। और छठा, पल्स ऑक्सीमीटर से आंखों के लिए हानिकारक रोशनी निकलती है, जिसे घूरना नहीं चाहिए। और अंत में, सबसे अच्छा पल्स ऑक्सीमीटर कौन सा है? पल्स ऑक्सीमीटर खरीदने से पहले 3 चीजों का ख्याल रखें। पहला, एक्यूरेसी, दूसरा रिजोल्यूशन और तीसरा मेजरिंग रेंज। साधारणतः सभी पल्स ऑक्सीमीटर का एक्यूरेसी +-2%, रिजोल्यूशन 1% तथा SpO2 मेजरिंग रेंज 0 to 100% और पल्स मेजरिंग रेंज 30 to 250 BPM होता है। इस तरह टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के आधार पर सभी पल्स ऑक्सीमीटर एक जैसा ही होता है। यदि आपको ऐसा कोई पल्स ऑक्सीमीटर मिला हो जिसकी मेजरिंग एक्यूरेसी में डेविएशन +-2% से भी कम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं।